आम आदमी पार्टी के राज्यसभा सांसद संजय सिंह ने कहा कि कांग्रेस नेता राहुल गांधी ने कुछ भी गलत नहीं कहा, वो चुनाव हार गए तो हिंदुओं को गाली देना शुरू कर दिया। दोस्तों वीडियो में अंत तक बने रहें, वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। बता दें आपको, आम आदमी पार्टी के सांसद संजय सिंह ने लोकसभा में नेता प्रतिपक्ष राहुल गांधी का बचाव करते हुए कहा कि अब भाजपाइयों को भगवान शिव की फोटो से समस्या है। उन्होंने कहा, राहुल गांधी ने शिव की फोटो दिखा दी तो बीजेपी वाले क्यों उछल रहे हैं? मेरा सुझाव है कि बीजेपी वाले गले में गोडसे की फोटो लटकाकर आएं। सिंह ने कहा कि क्या लदेन की फोटो लटकाकर लेकर आएंगे सदन में? बता दें कि राहुल गांधी के भाषण के कुछ हिस्से को हटाए जाने पर संजय सिंह ने एबीपी न्यूज से बात करते हुए कहा, राहुल गांधी कुछ भी गलत नहीं कहा, वो चुनाव हार गए तो हिंदुओं को गाली देना शुरू कर दिया, अयोध्या के लोगों को गाली दे रहे हैं, ये कैसे हिंदू हैं? भाषण हटा देने से क्या होगा? बता दें कि पीएम मोदी के बयान पर कि चाय वाला तीसरी बार पीएम बन गया, ये पच नहीं रहा। इस पर संजय सिंह ने कहा, ये सब बकवास है, ये बोलते रहते हैं, चाय वाले ने देश बेच डाला। कांग्रेस नेता राहुल गांधी ने सोमवार को राष्ट्रपति के अभिभाषण पर चर्चा का जवाब देते हुए बीजेपी पर जमकर निशाना साधा था। राहुल गांधी ने कहा, ये अहिंसा का देश है, ये डर का देश नहीं है। भगवान शिव कहते हैं, डरो मत डराओ मत, वे अहिंसा की बात करते हैं। बीजेपी के जो लोग अपने आप को हिंदू कहते हैं, वे हर समय हिंसा और नफरत की बात करते हैं, आप हिंदू हो ही नहीं। ऐसी ही न्यूज़ देखने के लिए वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें।